नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां पर प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो सीधी के कलेक्टर रविंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए और आज वो खुद बताएंगे कि कैसे जिले ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीता है। रविंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे किस तरीके से काम किया गया जब मुश्किल वक्त था और अब जाकर स्थिति में सुधार हुआ है, तो किस तरीके से हुआ काम? देखिए, ये पूरा समन्वित प्रयास था जी। जहां तक मैं जानता हूं, पूरे स्टेट में जिस तरह से लॉकडाउन का हम लोगों ने किया था, जो कोरोना जनता कर्फ्यू, इस तरह से हमारे यहाँ भी हम लोगों ने जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दल के जो हमारे प्रतिनिधि थे और सबके साथ मिलकर के हम लोगों ने तय की। और जब हमने लॉकडाउन का काफ़ी तेजी से मतलब और काफ़ी इफेक्टिवली पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सबने, आम मीडिया सबसे हमें सहयोग मिला और लॉकडाउन हमने अच्छे ढंग से उसको लगभग उसको इम्प्लीमेंट किया, तो जिसके कारण से इसको सप्रेस करने में हमें बहुत सुविधा रही। मतलब खासतौर से मैं कहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि हमारा एक दिन में 384 मतलब पूरी जिले में इतने केसेस आना, क्योंकि ये जिला अपेक्षाकृत यदि रीवा सतना सबको लें, ये जिला संसाधनों में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ इस लॉकडाउन का जो पूरी जो अवधि थी इसको सबसे हमें मदद मिली, लोगों से मदद मिली। इसके साथ ही साथ में किल कोरोना अभियान में हम लोग घर घर जो सर्वेक्षण, हमारी जो आशा कार्यकर्ता तथा सहयोगी हों, चाहे महिला बाल विकास के हों, दूसरा हमारा प्रशासनिक अपना हो, पुलिस का हमला हो या SDM हो, तो सभी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। जनपद पंचायतें, सभी ग्राम पंचायतें, इन सबका था और आपदा समितियां जो ग्राम पंचायत स्तर पर बनी उनका बहुत बड़ा साथ मिला और हम सब ने मिलकर के इस चीज़ को किया है और लगातार इसमें हमारी कमियां आई। जैसे लास्ट पिछले दिनों केवल एक प्रकरण थे और पिछले मतलब उससे मैं कहूँ 7 दिन में या अब हमारे एक्टिव केसेस लगभग 54 के आज के दिन अभी के दिन बचे हैं, केवल 54 बचे। तो ये यदि मैं किसी को मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इसमें योगदान मैं यही मानता हूँ कि लोगों ने भी अपने अपना सब्र रखा, धैर्य रखा, इस चीज को समझा और वो खुद भी इस चीज को लॉकडाउन का जब उन्होंने पालन किया है और उसके कारण से सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा किल कोरोना अभियान था और जिसका कि अच्छा हम लोगों ने काफी हम लोगों ने दो चरण में किया था। एक तो 24 अप्रैल से हम लोगों ने किल कोरोना अभियान का पहला चरण किया, फिर दूसरा जब स्टेट ने फिर मई के जो फर्स्ट सप्ताह में शुरू हुआ उसने भी किया। तो घर घर जैसे कोई बीमार है तो उनका सर्वे करना, उनको दवाइयां देना, उनको इस तरह का सलाह देना कि आप अलग रहें, यदि सर्दी खांसी या इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो कैसे बचाएं। तो ये जरूर है कि इस तरह से हम लोग आम जनों तक पहुंचे, गाँव गाँव तक पहुंचे और इसी का परिणाम मैं मानता हूँ कि आज जिले में इसका कोविड जो है लगभग हमारा कंट्रोल की स्थिति में है और हमें लेकिन अभी सावधानियां और बरतनी। बिल्कुल, सावधानियां अभी और भी हमें बरतनी है। सर, ये चीज आपसे समझना चाहूंगा कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बड़ी चुनौती रही लोगों को समझाने की, जागरूक करने की, या फिर शहरी इलाके में? देखिए, शहर में तो कंट्रोल करना आसान होता है, शहर में बैरिकेडिंग भी करना हम लोगों ने कई वार्डों में कर रखे हैं ऑलरेडी, जो जालियां मतलब लोगों की एक्टिविटी नहीं हो, व्हीकल्स नहीं निकले, तो शहर में संसाधन भी अपेक्षाकृत ज्यादा रहते हैं। रूरल क्षेत्रों में भी जो जनपद और तमाम पंचायतों को हम लोगों ने ये ताकीद किया था कि अगर किसी जगह कोई पॉजिटिव मरीज निकलते हैं तो उन्हें उनके घर तक, यदि वो उनको पर्याप्त संसाधन है, टॉयलेट है और घर में सेवा उनकी हो सकती है और जैसे उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन सब देखने की सुविधा है तो वो फिर अपने घर पे रह सकते हैं, क्योंकि अलग से टॉयलेट है तो, और अगर नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में, अथवा यदि स्थिति उनकी खराब है, यदि ऑक्सीजन लेवल कमजोर हो रहा है तो फिर जिला अस्पताल में आएंगे। इसको हम लोगों ने लगभग पूरा हमारे पूरे अमले ने किया और हमें लगातार इसमें मतलब मैं मानता हूँ स्वास्थ्य का अमला भी, क्योंकि कोविड से कई हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी लोग भी इन्फेक्टेड हुए, डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हुए, वो रिकवर भी हुए, इन चुनौतियों के साथ हम लोग लगातार रहे हैं। और रूरल क्षेत्र में भी हम लोग भी जाते रहे, जिलाधिकारी हैं या जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो लोग भी जाते रहे और हमारे जो स्थानीय जो चाहे कोई किसी भी दल के हों, जनप्रतिनिधि, सब ने इसमें हमारी मदद की जी। बिल्कुल,
सर, जब लॉकडाउन की स्थिति वहाँ पर शुरू हुई और दूसरे प्रदेशों की भी बात करें, दूसरे राज्यों की भी बात करें, तो वहाँ पर भी लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई थी, तो बहुत से लोग थे जो जिनकी घर वापसी होने लगी, तो उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई थी, सीमाओं पर किस तरीके के सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और किस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी? देखिए, हमारे करीब 7 जगह थे, 7 सीमा के चेक पोस्ट थे, जहां हमने अलग से स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस या इनके लोगों की भी हमने की थी, यदि कोई बाहर से आ रहे हैं। एक तो आवाजाही बंद थी, बिल्कुल बसें बंद कर दी गई थी, और एक जिले से दूसरे जिले, जब तक कोई मेडिकल अर्जेंसी नहीं है, जब तक बहुत आपाती की स्थिति नहीं है, तो तब अलाउड ये नहीं था कि ना जाए, क्योंकि लोग अपनी जगह रहेंगे, अगर किसी को है तो वो 6 या 7 या 8 दिनों के बाद वो ठीक होंगे, तो आगे संक्रमण नहीं फैलेगा। इस चीज को हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि पूरा हो, फिर भी चूंकि जिले का क्षेत्रफल काफी फैला हुआ, छत्तीसगढ़ से भी जिला का हिस्सा लगता है, साथ ही साथ यूपी भी पहुंचा जा सकता है पास से, क्योंकि मिर्जापुर पास में सिंगरौली तरफ से भी लोग आते हैं, इस तरह का है। तो इसको हम लोगों ने जरूर ये कोशिश की कि हमारा पूरा जो चेक पोस्ट है, सारे चेक पोस्ट हम लोगों ने खुद भी देखे, हमने सीता जो हमारे हैं कुमावत उनके साथ हमने भी देखे, और ये कोशिश हमारी रही कि जो मतलब कंट्रोल रही, यदि कोई आ रहा है तो उसकी हमें पता हो कि कहाँ जा रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, मतलब वो ठीक है और उनकी स्थिति ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की, और इसका भी एक बड़ा परिणाम। बिल्कुल सर, जब लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया तो लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो फैसले के साथ नहीं रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से वहां पर समझाया गया, क्योंकि नाराजगी उनकी रही होगी खासतौर पर व्यापारी वर्ग की, तो उनका सहयोग कैसे रहा प्रशासन की ओर? देखिए, इसको मैं सबसे पहले कहूंगा कि चूंकि प्रदेश स्तर से ही लॉकडाउन की चीजें सारे जिलों के लिए चल रही थी, जो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में जो हमारे जिले के लिए जो प्रभारी मंत्री जी थे, वो लोग भी आए, तो जो आम जन या जनप्रतिनिधि, जैसा कि मैंने कहा, सभी दल के थे, पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम आपदा समिति बुलाते हैं तब उनको भी बुलाते हैं, तो वो उन सब के साथ हम लोगों ने ये इसको एक एक्सेप्टेंस जो था, सबका एक्सेप्टेंस था, कुछ जिनको दिक्कत हो रही थी जैसे व्यापार में बाकी, लेकिन उन लोगों से भी जब ऐसे बात होती थी कि यदि हम स्वास्थ्य को चुने और सामान्य आजादी चुने या आर्थिक गतिविधि को लेकर के हम चुने कि हमें दुकानें खोलनी या बाकी गतिविधियां करनी है या स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज को समझा उन्होंने, यदि हम बाहर जाएंगे थोड़ा सा कष्ट हमें उठाना है, लेकिन फिर उसके बाद हम आगे हम हमारी बाजारें खुलेंगे, बाकी चीजें होंगी, और अगर ये हम बार बार बीच में करते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा होंगे, ये चीज उन्होंने भी समझा। और अभी भी हमारा जैसे देखेंगे तो हमने ऑल्टरनेट डेज में अभी भी कर रखा, अभी हालांकि मेरा काम हो रहा, फिर से हम इसको पुनर्विचार करेंगे, एक दिन जैसे किराना या मेडिकल स्टोर्स खुलते हैं या कृषि उपकरण सबके खुलते हैं, दूसरे दिन कपड़ों की दुकानें बाकी चीजें खुलती हैं, तो ये अभी भी चूंकि हम पूरा बाहर तो नहीं निकल पाए हैं, लेकिन काफी हद तक कहें तो ये चीज कंट्रोल की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि यही दोनों सूत्र वाक्य थे जिसके आधार पर कि जिले में कोरोना से हम लोग लग पाए। बिल्कुल सर, चाहे बात लॉकडाउन की स्थिति की हो या फिर वहाँ पर लोगों को जागरूक करने की हो, सामाजिक संगठनों एनजीओज किस तरीके से मदद के लिए सामने आए, क्या प्रशासन की ओर से कोई अपील करनी पड़ी उनके लिए? बिल्कुल, अपील भी करनी पड़ी, उनके साथ हमने बात भी की, हमने अलग से एनजीओज को बुला के वैक्सीनेशन में हम उनसे बहुत मदद ले रहे हैं, हम उनसे बाकी समझाने में भी कि लोग मास्क पहने, लोग इस तरह से 2 गज की दूरी की जो बात रहती है कि दूर रह के करें, यह है सैनिटाइजेशन वाली जो हाथ को सैनिटाइज करने की बातें, इन सारी चीजों में उन्होंने हमारे हमेशा साथ काम किया, वो जहां भी थे वहां से मदद कर रहे थे, प्रिंट मीडिया हो चाहे हमारे सोशल मीडिया हो, हमारे मीडिया से सबका सहयोग रहा, कभी इस तरह की नौबतें नहीं आई, ना इस कोई अप्रिय स्थिति आए कि कहीं इस तरह से हुआ हो कि दुर्व्यवहार की बात हुई हो कि किसी के साथ हुआ हो, कि लोग नाराज भी होते थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती थी हमारी पुलिस प्रशासन की भी कि इस तरह की अप्रिय स्थिति ना आए और उनको समझा बुझा के हम लोग ये काम करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली चूंकि इस फेज में जो दिक्कतें ज्यादा थी, बहुत तेजी से संक्रमण हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ समय के लिए लग रहा था कि पता नहीं क्या होना, लेकिन फाइनली हम लोग
बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, दिक्कतों की बात आपने की। जब शुरुआत दूसरी वेव की हुई थी तो उस वक्त बहुत सी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, इस तरह की खबरें हमारे पास आई थी और बहुत से ऐसे विजुअल्स आए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सीधी में भी क्या ये स्थिति आई थी, और अगर ये स्थिति आई तो किस तरीके से इस स्थिति के पार पाया गया? देखिए, ऑक्सीजन कभी बिल्कुल खत्म हो गया हो ऐसा कभी नहीं है, लेकिन दिक्कत 3-4 दिन जरूर थी। जबकि सिंगरौली में ऑक्सीजन का जो यूनिट थे, एक यूनिट आंधी तूफान के कारण डिस्टर्ब हो गया 2-2.5 दिनों के लिए। तरह सतना की यूनिट खत्म हुई, क्योंकि सीधी जिले में खुद का नहीं था यूनिट उस समय, तो सिंगरौली से हम लोग लेते थे, साथ ही सतना से हमें मिलता था, अनूपपुर से मिलता था, लेकिन समिति जिले रीवा से हमें मदद मिली। जो रीवा जिले से हमने जिला कलेक्टर सब तो उनसे मदद मांगी, उनसे मिला। तो ये हमारा आपस में ये समन्वय रहता था कि अगर किसी को उपलब्ध है तो वो हमें मदद करते थे। तो ये हमारी आपस में ही डिविजन कमिश्नर ऑफिस से हमें, और स्टेट लेवल पे जो ऑक्सीजन कंट्रोल रूम था तो उनसे हमने मदद मांगी। तो ये चीज़ें हमने करते रहे, लेकिन ये कभी नहीं रहा कि हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। और अब अगले 10 दिन में हमारा खुद का PSA स्टेशन, उसकी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, गेल लगा रहा, वो भी हमारे स्थापित हो गए। बिल्कुल सर, अब तीसरी वेव की भी बात कही जा रही है कि ऐसी आशंका है कि हो सकता है तीसरी वेव आए और वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है, तो इसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन ने वहाँ पर की है? देखिए, इसको लेकर अभी भी जो है हमारा जो किल कोरोना अभियान, मतलब बेसिकली ये एक महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की जो हमारे ये गाँव में अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी ये चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि किसी को कोविड तो नहीं है, सैम्पलिंग हम कर ही रहे हैं, जिससे पहले जो करते थे उसके बराबर ही सैंपलिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी करने की कोशिश करते हैं। तो अब असल में ये है कि एक भी यदि कहीं कुछ मिलता तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके तो उससे किसी वो किन के साथ में रहे, वो सभी सफल हैं कि नहीं, तो इन चीज़ों पर जिससे राज्य शासन का भी जो है, हम यदि इन चीज़ों को करते रहेंगे तो हम शायद अगला वेव रोक पाने में सफल रहेंगे। कहीं शुरुआत भी हुई तो उसकी जड़ें तक हमको जाना है, वो कहाँ से ट्रेवल करके आए हैं, या फिर कहीं हॉस्पिटल गए, या कहीं ऐसी जगह से तो नहीं आए जहाँ से वो उन्होंने उनको ये जो इन्फेक्टेड हुए हैं। ये इसको लेकर के पहला तो यही है कि हमारा जो ग्राम का अमला है, तो ग्राम का अमला सजग है, कहीं इस तरह की बात होती तो हमें सूचना मिलेगी, हम उसके आधार पर करेंगे। और जो बाकी जो संसाधन की बात है तो वो भी हम लोग जिला अस्पताल में कर रहे हैं, पहले के मुकाबले संसाधन भी काफी अच्छे हो गए हैं। सर, एक बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस की, ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, तो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि गंभीर बीमारी ये भी है? ब्लैक फंगस में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, श्रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज उपचार की जबलपुर में है, भोपाल में है, यदि हमारे यहाँ इस तरह के कोई मरीज चिन्हित होते हैं तो उनको हम वहीं रेफर करते हैं, और वहाँ पे उनके लिए डेडिकेटेड जो बेड्स हैं जो वहाँ पर उनका इलाज होता है। तो प्रॉपर सीधी में मेडिकल कॉलेज तो है तो सीधी में नहीं होता, लेकिन 2-3 जो हमारे पेशेंट आए उन सबको हम लोगों ने रेफर जी। सर, अब चैलेंजेस अब ज़्यादा लग रहा है कि बढ़ेंगे, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हो गई है, तो इसको लेकर धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, जब बाजारों को अनलॉक किया जा रहा है तो कैसे व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, और प्रशासन की ओर से कैसे अब जागरूक किया जा रहा है, खासतौर पर दुकानदारों को, व्यापारियों को, या फिर ठेले और रेहड़ी जो लगाते हैं उन लोगों को? देखिए, इसमें कई बार, मतलब एक तो पब्लिक अनाउंसमेंट के द्वारा भी होता है, दूसरा कई कई बार जो प्रशासनिक अमला या पुलिस के लोग जवान जाते हैं वो करते हैं, और कई बार मतलब वो यदि कहीं 4 या 6 या 8 लोग जमा हैं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मास्क पहने। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले की तुलना में अब मास्क पहनना ज़्यादा हो गया है, मतलब आम जनों में भी पहले से ज़्यादा पहन रहे हैं, लेकिन ये गंभीर था, जो कि बीच में जो हुए थे जिस तरह से विकराल रोग था तो उसका ये असर है। लेकिन इसमें अभी हम लोग जब भी हम छोटे इनके प्रतिनिधियों से, व्यापारी प्रतिनिधियों से बात करते हैं या किसी से भी करते हैं, हमारा सबसे पहला यही रहता है कि हम ढील देंगे, बाकी सब कुछ चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, लेकिन मास्क पहनने में, साथ ही साथ सामाजिक दूरी रखने में, सैनिटाइज करने में, चूँकि खतरा उनको भी उतना ही है जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, जितना कि वहाँ से कोई सामान लेते हैं उनको जितना है, तो ये हमें दोनों तरफ से मदद भी मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं।
तब भी जैसे गांव से लोग आते हैं या बाकी जगहों से आते हैं, इसमें तो सतत ये प्रक्रिया है, सतत लोग कोशिश करेंगे कि लोग इस चीज को समझें और अपनाएं। बिल्कुल सर, लॉकडाउन की स्थिति जब रही तो उस वक्त बहुत से ऐसे व्यापारी रहे होंगे और छोटे व्यापारी खासतौर पर ठेले रेहड़ी वाले, अब जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी, तो प्रशासन ने किस तरीके से मदद उन लोगों की की, किस तरीके से सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के साथ मिलकर इनके काम, आपके काम को आसान किया और उन लोगों तक मदद पहुंचाई? देखिए, सामाजिक संगठनों ने, एनजीओ, बाकी लोग तो कर ही रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर था जिसके द्वारा भी वो लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। साथ ही जैसे नगर पालिका में पंचायतों के लिए भी हम लोगों का निर्देश था, ऐसा किसी को भी अनाज की जरूरत हो, किसी चीज की भी जरूरत हो, कि बिल्कुल जो जीवन यापन के लिए जरूरी होता तो वो उसको पहुंचे। नगर पालिका में भी, यहाँ सीधी में भी हम लोग ये काम कर रहे थे, अलग से गेहूँ चावल सब इन सारी चीजों की व्यवस्था थी। और समय समय पर ये चीज हमारी ये जरूर रहती थी कि कहीं से किसी तरह की खबर मिले तो लोग मदद के लिए पहुंचे, जिला प्रशासन मदद करे और जो सामाजिक संगठन हमारे मदद कर रहे थे, और ये हम लोगों ने सुनिश्चित बिल्कुल उन लोगों तक मदद पहुंचाई। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि होम आइसोलेशन में जो लोग थे, चाहे शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो किस तरीके की व्यवस्था होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए की गई? क्या किसी तरीके की काउंसलिंग करवाई जाती थी या फिर फोन के जरिए ही उनकी काउंसलिंग होती थी? देखिए, ये इसमें मैं कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर हमारा था, जिसमें एक समय में 20-20 जो लोग जो हैं लोगों से संपर्क करते थे, 20 फोन लाइनों से। जैसे यदि हमारे 1000 लोग थे तो उसमें लगभग सबको वो सुबह और शाम, मतलब 20-40 8-8 घंटे की ड्यूटी में 40 लोग काम कर रहे थे, चार व्यक्ति रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहते थे, जो कि नॉर्मल में 1075 पे जो भी कॉल आते थे वो अटेंड करते थे। तो ये जो हमारे जो 20-20 के लोग थे जिनको हमने मोबाइल मुहैया कर रखा था, जिसके थ्रू जो भी हमारे मरीज थे जिनके सैंपल में पॉजिटिव आया था, उनसे उनका हम हालचाल पूछते थे कि कैसे हैं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, बुखार तो नहीं आया, या अन्य घर में अन्य को कहीं किसी तरह के इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। अगर वो कहते थे कि नहीं, हाँ उन्हें बुखार आ रहा है या थोड़ी तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या SpO2 लेवल उनका 92 या 89 या उससे कम हो रहा, तो फिर हम वहीं से वो उनका लेजन जो हमारा एम्बुलेंस सेवा के लिए थी, तो वहां से उनको खबर करते थे और उनको हम अपने जिला अस्पताल में ले आते थे या कोविड केयर सेंटर उनको सलाह दे करके हम ले आते थे। ये हमारी शुरुआत से ही गई और एक एक समय में 1400-1600, 1600-1600 लोग, 1800 तक मैक्सिमम गए हम लोग, जो इसमें हॉस्पिटल भी भरे हुए थे। बहुत चुनौतीपूर्वक चुनौती वाला काम था, और जो इसमें अधिकतर हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थी जो जो पढ़ रही थी, तो उनकी वो लोग ही पूछ रहे थे, उनको ही हमने लगा रखा था, वो सबसे लेकर के सबका चार्ट बना हुआ कि क्या क्या चीजें पूछे, सवाल जो किए उनका कैसा रिप्लाई आया, और उन पे हमने क्या उनके लिए, मतलब यदि हमारे स्तर पर इनिशिएटिव था तो हम लोग इनिशिएटिव लेते थे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर जो था, ये इससे एक तरह से जुड़े हम उनसे थे, और उनको भी जैसे लगता था कि हाँ हमसे हमारा हालचाल कोई पूछ रहा है। ये चीजें हम लोग रूरल में भी, गांव में भी दूसरे तरह से हम लोग वेरीफाई करते थे कि आपको कोई हालचाल पूछ रहा है कि नहीं। यदि कोई संपर्क में नहीं आते थे, जैसे कई बार होता है कि मोबाइल ऑफ है या किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिया, तो हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती है RRT, जिसका की नैपसलर की इसमें रहती थी, नैपसलर जिसमें उनको ये 5 या 7 जो भी व्यक्ति उनके क्षेत्र के रहते थे, तो उनको उनका दिया जाता था कि आप उनके घर पहुंच करके आप लोग देखो वो ठीक हैं कि नहीं, वो मतलब उनकी उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हम लोगों ने इस तरह से कोशिश की कि होम आइसोलेशन वालों का भी पूरा ख्याल रखें, उन तक मेडिसिन पहुंचे, और उनका यदि कोई उनको और मदद की जरूरत है, पंचायत से भी मदद हो रही थी, कई बार यदि ये किट नहीं रहते थे जो उनके पास, तो पंचायत ने भी उनको किट दिए हैं। कुछ जगह जैसे रामपुर नैकिन में करीब 100 परिवार से ज्यादा परिवारों को जो SpO2 नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह से सब सभी की भी मुहैया है। तो ये चीजें हम लोग करते रहे, क्योंकि तो ये सामूहिक काम थे, टीम वर्क था पूरा, सबने मदद की। मैं मतलब मैं यही मानता हूँ कि सबकी मदद से ही आज हम
की सेवा करें। बिल्कुल, सभी की मदद यहाँ पर जरूरी। सर, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, और बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुना भी गया कि वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में एक संशय की स्थिति है, तो कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है? देखिए, खासतौर से ट्राइबल क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर के संशय बहुत था, और वैक्सीनेशन को लेकर और इसके अलावा भी कई बार कई भ्रांति उड़ा दी गई, जो कोविड में बीच में जो कुछ डेथ हुए तो उसको जोर के बता दिया गया। अभी हम लोग पिछले 7 दिनों में मैं खुद ही एसपी भी हमारे साथ तीन जगह गए, मैं खुद भी 4-5 जगह गांव जाता हूँ, लोगों से बात भी करते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर देखते हैं या बाकी लोगों से भी उसका फीडबैक लेते हैं। तो ये चीज़ें उड़ा दी गई कि वैक्सीन से डेथ हो गई, जबकि एक जगह हमने देखा, जब पूछा किसकी डेथ हुई तो पता चला जिसको वैक्सीन लगा ही नहीं था, और अब ऐसे ही भ्रांति और भ्रम फैला दिया। तो कई लोगों ने इस तरह की चीजें हुई जो जिसके कारण से हम लोग, हमारा जिला पहले वैक्सीनेशन बहुत अच्छा कर रहा था, 11 से 14 अप्रैल में हम लोगों ने करीब 22,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराए एक दिन में, 14 अप्रैल से पहले एक दिन हमने 6,900 लोग यहाँ वैक्सीन करे। तो लेकिन ये डिप बहुत लंबा डिप हो गया जब ये कोविड का जो सेकेंड लहर के बाद, मतलब मई से ही हमारी कम होनी शुरू हुई फिर, लेकिन अब जून के प्रथम सप्ताह से ही हम लोग धीरे धीरे इसको पिकअप कर रहे हैं, और गांव में उत्साह है। कई जगह हमारी पूरी टीम, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे वो हेल्थ या आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हों, वो चाहे किसी भी विभाग के हों, चाहे रेवेन्यू के हों, पटवारी हों, नायकलार हों, SDM हों, सभी इसमें कोशिश कर रहे हैं, सबका मदद मिल रहा। तो कल ही एक गाँव में 918 लोगों ने वैक्सीनेशन कराए, पथरौला है, वहाँ प्रिंसिपल का बहुत अच्छा योगदान था, सभी सरपंच एक्टिव थे। तो ऐसा शुरुआत हो रहा था, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम बहुत बहुत कम चला गया था, और एक बार अब सुना हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लोगों में इसके प्रति जो है वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जो ट्राइबल ब्लॉक है, अभी परसों ही हम लोग गुईमार में थे, बहुत इंटीरियर है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर का ही ये गांव है, तो वहाँ भी बहुत कम लोग आ रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने भी इस तरह से जो लोकल विधायक थे उनके साथ भी, और बाकी लोगों के जनप्रतिनिधि सबके साथ हम लोगों ने बात की, किया, वहाँ लोग भी आए। सुदूर वाले गांव में जहाँ मतलब इस तरह के वैक्सीन के प्रति उड़ा दिया गया, भ्रम उड़ा दिया गया, उनसे भी बातें हम लोग करके क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सीधी की जनता ने इस बात को सुना, और आगे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। हाँ, संक्रमण कम ज़रूर हुआ है। बहरहाल, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।